नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान एडवाइज पर। आज पशुपालक भाइयों को एक ऐसी ही फायदेमंद चीज़ के बारे में बताऊंगा जिससे उनका पशु स्वस्थ रहे, वह है डालडा घी। जी हाँ, अधिकांश पशुपालक पशुओं को डालडा घी देने के क्या फ़ायदे होते हैं इनसे अनजान होते हैं। आपको इस वीडियो में हम पशुओं को डालडा घी देने से होने वाले फायदे के बारे में बता रहे हैं। इसके साथ ही पशुओं को डालडा घी कब और कितनी मात्रा में देना चाहिए यह भी बताएंगे। बस आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। क्या होता है डालडा घी? वनस्पति तेलों द्वारा तैयार किए जाने वाले घी को डालडा घी कहते हैं, यानी डालडा घी को वनस्पति तेलों के हाइड्रोजेशन द्वारा तैयार किया जाता है। पशुओं को डालडा घी देने के कई फायदे होते हैं। पशुओं को डालडा घी खिलाने से उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। डालडा घी पशुओं के शरीर की चर्बी बढ़ाता है, इससे पशुओं का वजन भी बढ़ता है। डालडा घी देने से पशु फुर्तीले होते हैं। पशुओं को सही मात्रा में डालडा घी खिलाने से वह अच्छे से दूध देते हैं, दूध उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है। पशुओं को डालडा घी खिलाने से उन्हें कमजोरी नहीं आती। डालडा घी देने से पशु ताकतवर होते हैं। बछड़े को उनकी अच्छी ग्रोथ के लिए डालडा घी देना अच्छा माना जाता है। दुधारू पशुओं को 3 दिन डालडा घी देने से उनके थन से दूध आसानी से निकलने लगता है। पशुओं को डालडा घी कैसे दें? किसान भाइयों, छोटे और बड़े दोनों पशुओं को डालडा घी दे सकते हैं। पशुओं को डालडा घी चने की चूरी में मिलाकर दे सकते हैं। इसके अलावा किसी भी अनाज की चूरी में डालडा घी मिलाकर पशु को खिला सकते हैं, या किसी खली में या चोकर में मिलाकर भी पशुओं को डालडा घी खिला सकते हैं। यदि डालडा घी सिर्फ अकेले देंगे तो पशु नहीं खाता है, इसीलिए उन्हें किसी अनाज की चूरी या चोकर में मिलाकर ही डालडा घी देना चाहिए। इसे पशु बड़े ही चाव से खा जाता है। पशुओं को डालडा घी कितना दें जो कि पशुओं के लिए फायदेमंद हो? इसके लिए छोटे पशुओं के बच्चे जो कि 2 महीने से 6 महीने के बीच होते हैं, उनको ये 20 से 30 ग्राम रोजाना डालडा घी दिया जा सकता है। 6 महीने से 1 साल तक के पशु या फिर कटड़े या बछड़े को 50 ग्राम तक डालडा घी दे सकते हैं। यदि पशु 1 साल से ऊपर है तो उसे 100 से 200 ग्राम तक रोजाना डालडा घी दे सकते हैं। किन पशुओं को डालडा घी हमें नहीं देना है? बीमार पशुओं को डालडा घी या कोई भी चिकनाई वाली चीज़ नहीं देनी चाहिए, इससे उनके लीवर पर फर्क पड़ता है और वह चरना छोड़ देते हैं। उम्र के हिसाब से ही पशुओं को डालडा घी देना चाहिए। यदि पशु छोटे पशुओं को अधिक मात्रा में डालडा घी देते हैं तो वह चरना छोड़ देंगे। वहीं पर्याप्त मात्रा में ज़्यादा डालडा घी पशुओं को देना हानिकारक भी हो सकता है। अधिक मात्रा में पशु को डालडा घी खिलाते हैं तो वह दूध देना भी कम कर देता है, इससे उनकी दूध देने की क्षमता पर भी असर पड़ सकता है। साथ ही लीवर में फैट जमना भी शुरू हो जाता है, इससे पशु बीमार पड़ सकता है। तो डालडा घी हम अपनी एक लिमिट में दें जिससे पशु पर फायदे हो और हमें कोई भी नुकसान ना हो। तो दोस्तों, इस वीडियो को यदि आपने देखा और समझ लिया है तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें। आप फेसबुक, व्हाट्सएप जहाँ भी शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को शेयर करें, ताकि पशुपालकों को इस प्रोडक्ट के बारे में पता चले सही जानकारी। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय किसान।